स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर बच्चों में होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें उनके सीखने की एबिलिटी अफेक्ट होती है। ऐसे बच्चों को पढ़ने लिखने और समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए वह दूसरों बच्चों की तुलना में कमज़ोर होते हैं। यह एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जो कई बच्चों में देखने को मिल सकता है। ये तीन तरह के होते हैं और इसके सिम्टम्स भी इन्हीं तीनों पे डिपेंड करते हैं। पहला टाइप है इसका डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसग्राफिया, तीसरा है डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित समस्या है। इसके सिम्टम्स हैं, इस तरह के बच्चे टीचर पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, वो अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं। इनकी याद करने की एबिलिटी काफ़ी वीक होती है। यह बच्चे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इन बच्चों को, वो ठीक तरीके से वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं। दूसरा डिसग्राफिया, ये लिखने से संबंधित समस्या है। इन बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी होती है। इस तरह के बच्चे वर्ड्स और लेटर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप स्पेस छोड़ते हैं। यह लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। यह लिखते समय अपर और लोअर केस लेटर को मिक्स कर देते हैं। तीसरा है डिसकैल्कुलिया, जोड़ने घटाने यानी ये मैथ से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके सिम्टम्स हैं समान दिखने सेम दिखने वाले अर्थमेटिक साइंस जैसे प्लस को प्लस और मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन और लेस देन, इन सब सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं ये, और रिवर्स नंबर्स लाइक 1818 और 8181 जैसे नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके कॉजेज हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स या फिर फैमिली में किसी अदर मेंबर को इस तरह की समस्या है तो ऐसे बच्चों को भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। जन्म से पहले बच्चा किसी तरह से अफेक्ट हुआ है तो भी उसमें यह प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे माँ के द्वारा अल्कोहल कंज्यूम करना प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान सही पोषण नहीं लेना या कोई मेडिसिन ज़्यादा ले लेना, गलत मेडिसिन ले लेना, या फिर ये प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम में किसी प्रॉब्लम या इंजरी के कारण भी हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट क्या हैं? इसके ट्रीटमेंट तो अभी एक्यूरेट नहीं पता चले हैं, लेकिन ये पेरेंट्स की सहायता से ठीक किए जा सकते हैं। जैसे बच्चों को डांटे नहीं, उनको समझाए और उनको प्यार से सिखाए, मतलब उनको बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको प्यार से सिखाना चाहिए। बच्चों को पढ़ते समय कुछ मज़ेदार तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चे को भी पढ़ने में मज़ा आए। जैसे आपने तारे ज़मीन पे पिक्चर देखी होगी, उसमें आमिर खान किस तरीके से उसको सिखाता है जिससे वो ठीक हो जाता है और उसका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। और इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं देखते हैं। पेरेंट्स को टीचर से बच्चों की स्थिति के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनको डांटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी किसी भी तरीके का गलत मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, अगर लेना है तो किसी एक्सपर्ट को दिखा के लेना चाहिए, और कोई भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए और अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीकों से हम इस डिसऑर्डर को रोक सकते हैं।